दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 16 दिसंबर 2022। टाइम अभी हो रहा है 5:30 बज चुके हैं और मैं भी आ चुका हूँ, द्वारका सेक्टर 9 में हूँ। दोस्तों आज 3 दिन बाद मैं निकला हूँ, 3 दिन छुट्टी पे था और 3 दिन में एक्चुअली मेरी, आपको बताया था जैसे मेरी एक घर में छोटी सी नन्ही परी आई है, तो उसका मतलब नामकरण भी था, हवन कराना था और छठी वगैरह भी करनी थी, तो जिसकी वजह से मतलब परसों 14 दिसंबर को ये फंक्शन हुआ था मेरे घर में, तो जिसकी वजह से मैंने एक दिन पहले छुट्टी ली और जिस दिन फंक्शन था और उसके अगले दिन भी मतलब काम इतना हो जाता है, तो मतलब जिसकी वजह से क्या है कि 3 दिन मैं छुट्टी पे था, तो इस 3 दिन में मेरा ब्लॉग भी नहीं आया था दोस्तों, जिसकी वजह से काफ़ी भाइयों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, महेश भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही है। तो दोस्तों आज मैं निकला था मॉर्निंग में, करीब 11 बजे करीब निकला था मैं, आज लेट ही था बट एक्चुअली थोड़ा सा काम था घर पे जिसकी वजह से लेट निकला था। और पहली बुकिंग मेरे पास दोस्तों वही जैसे मैं आपको बताता हूँ व्लॉग में, उबर मतलब गुड़गांव तो भेजना है उसको, तो मुझे भी कोई वो नहीं दिक्कत होती क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पास कटा हुआ है, तो मैं इसलिए सेक्टर 51 गुरुग्राम मेफिल गार्डन की तरफ से साइड की बुकिंग थी, तो वहां से मतलब मैंने उसको छोड़ दिया था, 1 घंटे में मैंने ड्रॉप कर दिया था, 50 मिनट्स में मैंने ड्रॉप किया ऊबर से। ऊबर के बाद फिर सेकंड ट्रिप मेरे पास आ गई उद्योग विहार साइड की, तो उद्योग विहार मैंने एयरटेल ऑफिस के पास में ड्रॉप किया, वहां से फिर मैंने लोकेशन लगा दी थी क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर गुड़गांव में आपको रुकना है, तो गुड़गांव में फिर आपको पूरे टाइम फंस ही जाओगे, 1-2 ट्रिप मिलेगी आपको, उसके बाद आपको रुकना ही पड़ेगा, तो काफी भाई इस तरीके से फंस जाते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ उसको लोकेशन लगाऊं। और आप भी अगर दोस्तों मतलब मेरी सजेशन मानोगे तो आप जब भी गुड़गांव में आओ सुबह सुबह अपने लोकेशन डाल दो 10-11 लास्ट, इसके बाद मतलब इसके बाद आप रुकोगे तो आप फंसोगे, फिर आपका काम बिल्कुल नहीं होना है, काम करना है दिल्ली आके वापस काम होना है क्योंकि दिल्ली में ही राइडे है, गुड़गांव में आपका ऑफिस वर्क होता है, वो फिर शाम को हाई डिमांड होती है और हाई डिमांड होती है बट उसमें एक ही राइड हो पाती है क्योंकि आपको भी पता है गुड़गांव का ट्रैफिक कितना ज्यादा होता है शाम के टाइम, तो मतलब बहुत ही गंदा ट्रैफिक होता है। मैं द्वारका रहता हूँ तो मैं पीछे वाले रास्ते से निकल के जाता हूँ जो इजिली बिजवासन होते हुए वहां से निकल जाता है, बट अगर हाईवे से जाए तो हाईवे में बहुत गंदा ट्रैफिक लग जाता है। तो वहां से मैंने उद्योग विहार से डाल दी थी बुकिंग और मेरे पास मैं साइबर सिटी की तरफ आया था, साइबर सिटी से बाहर निकला दोबारा साइबर सिटी से ही आ गई, तो पूरा घूम के आ गई थी, आई कहाँ की थी, करनाल बाईपास बलसवा डेयरी, करनाल बाईपास पे उतरना था उन्होंने, तो मन का सही है यार लंबी ट्रिप मिल जाएगी, तो उनको वहां पर छोड़ा मतलब बलसवा डेयरी के पास, फिर वहां से आपको पता है करनाल बाईपास आप छोड़ तो दो पर वहां से आपको यूटर्न लेके बड़ा लंबा आना पड़ता है, तो जिसकी वजह से टाइम भी खराब होता है, 2-3 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा चल जाती है, बट ऑप्शन कुछ है नहीं, कस्टमर पहले उतरना नहीं चाहता क्योंकि मैंने उसे बोला था सर अगर आप उतर जाओगे तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा, मैं रोहिणी साइड में निकल जाऊंगा, कहता नहीं यार मेरे पास बैग है और तो आप मुझे को छोड़ के आओ, तो फिर मैंने छोड़ा, फिर वहां से यू टर्न लिया तो उधर से फिर मेरे पास वहां से खाली खाली बुराड़ी साइड से बुकिंग आ रही थी, पर बुराड़ी में क्या है कि आपको पता है बुराड़ी का जो अथॉरिटी वाला रोड है वो पूरा का पूरा जाम मिलता है और बुकिंग्स आती है बहुत अंदर अंदर से और ऐसी ऐसी गलियों से आती है जहाँ से मतलब जाने का ही वो है नहीं, तो इस चक्कर में बुकिंग्स एक दो कैंसिल भी होती है। अब कैंसिल के उसमें दोस्तों एक चीज और मैं बता दूँ, कैंसिल अगर देखो आप कर रहे हो तो पूरे दिन में 1-2 बुकिंग आपकी कैंसिल होती है, बहुत है, इससे ज्यादा आप कैंसिल मत करिए क्योंकि अभी उबर इस चीज में इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने आपको लास्ट 2-3 ब्लॉग पहले ही बताया था कि उबर मतलब अभी 10-10 मिनट के लिए बुकिंग बंद कर रहा है, होल्ड कर रहा है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए बुकिंग होल्ड कर रहा है, फिर उसके बाद वो 12 घंटे के लिए भी बुकिंग बंद कर रहा है, फिर 24 घंटे के लिए बंद कर रहा है, 72 घंटे के लिए बंद कर रहा है। अगर आपका कैंसिलेशन नहीं रुक रहा बुकिंग करने का, मानता हूँ फॉल्ट उबर का ही होता है क्योंकि उबर का जो सॉफ्टवेयर है वो समझ ही नहीं पाता, एक तो जहाँ से राइडर को ऐसी आदत डाल दी गई है ना कि राइडर चाहता है कि घर के नीचे ही चाहे गली में गाड़ी आए ना आए उसको वहीं पर गाड़ी चाहिए, तो जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग एक्सेप्ट तो कर लेते हैं कि चलो लंबी ट्रिप है इतने उसकी, बट जहाँ जाते हैं वहां पर गाड़ी जाने की जगह नहीं होती, ठीक है, तो फिर देखते हैं कहीं पे बाजार लगा होता है, कहीं पे
ट्रैफिक लगा होता है, स्कूल का ट्रैफिक, चलो स्कूल वाला तो झेल लेता है इंसान, बट जो गलियों का बाजारों का वो होता है उसमें थोड़ी सी वो हो जाती है। फिर हम राइडर को बोलते हैं भाई आप इस साइड पे आ जाओ, तो वो मना कर देता है, तो जिसकी वजह से क्या है कि ड्राइवर को कैंसिल करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर वो इसी ट्रिप में टाइम देगा, उसका वेट करेगा या कुछ करेगा, तो उसकी अर्निंग पे फर्क पड़ता है, जो कि मोस्टली सभी ड्राइवरों पे पड़ता है। एक ना एक ट्रिप पे क्या है कि टाइम लग जाता है। तो आपके साथ भी अगर दोस्तों ऐसा हुआ है कि ट्रिप लंबी आई है बट आप जो पिकअप लोकेशन है राइडर की उस पे जाने में मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो आप भी मुझे कमेंट्स करके बताना। और कोशिश यही करिए दोस्तों, देखो ऊबर तो अपनी तरफ से स्ट्रिक इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है उसको जरूरत हमारी है नहीं, उसका पूरा का पूरा मतलब फुल हो चुका है, इतनी ज्यादा इनफ गाड़ियां हैं, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि एक ड्राइवर जाए या दो ड्राइवर जाए। तो इसलिए क्या है कि अब काम आपको करना है तो आपको ही ढंग से काम करना पड़ेगा, ज्यादा कैंसिलेशन नहीं है क्योंकि सारी की सारी चीजें ऑलरेडी आपके पास आती है। ऐसे बुकिंग कहाँ से आ रही है, ड्रॉप जाना कहाँ है, पेमेंट कैश है, ऑनलाइन है, ये सारी चीजें आपको पहले की पहली दिखा दी जाती है। बट उसमें भी कई बार यही प्रॉब्लम यही आती है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बुकिंग हम एक्सेप्ट कर लेते हैं पर जब लोकेशन होती है वो बहुत गलियों की होती है, कई बार बाजार होता है, जाम होता है, तो ये सब चीजों से क्या है कि दिक्कत ये आती है मैन। तो अभी रिसेंटली दोस्तों मेरे को एक दो भाई का और कमेंट्स आया था, मैं इसी ब्लॉग में आपको बताया था, नहीं तो मैं इसके ऊपर अलग बनाता कि एक अब जैसे 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 ज्यादा कैंसिलेशन बढ़ रही है आपकी, वैसे वैसे उबर एक भाई की आईडी उसने 7 दिन के लिए बंद करी है, तो 7 दिन के लिए होल्ड पे कर दिए। उसका मेरे पास मैसेज आया कि भैया मेरे पास 7 दिन के लिए आईडी बंद हो चुकी है, तो मैं अब क्या करूं। तो मैंने उसको यही सजेशन दिए कि भाई अभी 7 दिन का मैसेज आया जरूर है बट आप 7 दिन के ऊपर मत बैठो, तुरंत उबर के ऑफिस में विजिट करो और वहां पर जाके बात करो, डेफिनेटली आपकी 1 से 2 दिन में आप अगर वहां पर बात करोगे तो आपकी ओपन हो जाएगी। अगर आप 7 दिन के भरोसे रहोगे तो आईडी आपकी 7 दिन के बाद भी नहीं खुलेगी, क्योंकि आपको आप ये समझ लीजिए उबर के ऑफिस आपको जाना जरूरी है। जब तक आप उबर ऑफिस नहीं जाओगे तब तक आपका कोई काम होने वाला नहीं है। काफी भाई इसी उसमें मतलब समझ के बैठते हैं कि भाई मेरी 7 दिन के लिए आईडी बंद होगी तो 7 दिन तक, 7 दिन के बाद अपने आप ही आईडी चालू हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको खुद ही जाना पड़ेगा, चाहे 1 दिन के लिए बंद हो या 2 दिन के लिए आपको इनबॉक्स में मैसेज दे रहा हो, बट आपको अगले दिन या उसी टाइम अगर आपको टाइम मिलता है, खासकर 2 से 2 बजे तक लास्ट मेरे ख्याल से वहां पर गुड़गांव ऑफिस में जाने देते हैं वहां, नहीं तो उसके कोशिश करिए अगले दिन सुबह सुबह 10 बजे पहुंच जाओ। तो जितना जल्दी आप पहुंचोगे उतनी जल्दी आपका काम होगा, अदरवाइज आप इनबॉक्स के मैसेज के ऊपर डिपेंड रहोगे तो वो कस्टमर सपोर्ट वाले कुछ नहीं करते। कस्टमर सपोर्ट में बस ऐसी नाम के लिए बैठा रखा है, ना वो फेयर ऐड करते ना कुछ करते। पहले बहुत अच्छा था, फेयर भी ऐड हो जाता था, ठीक है, अब तो फेयर भी जितना बना है उतना ही बना रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता, एक आध बिल में कभी हो जाता है, नहीं तो पहले क्या है कि पहले हम कंप्लेंट करते थे इजिली हो जाता था, अब बिल्कुल भी उबर ओला दोनों ही मतलब एक तरीके से बहुत वो हो गए हैं कि ड्राइवर के प्रति कुछ वो रहा नहीं है इन लोगों को। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में मैं निकला था तो अभी तक का काम मैं आपको बताता हूँ, जितना भी काम हुआ है मेरा कोई खास काम नहीं हुआ है। 5:30 बजे मतलब लास्ट स्टॉप मैंने 5:15 छोड़ दिया था और 11 से 5 तक का काम, आप 6 घंटे का काम एक मान के चलिए, 6 घंटे में ज्यादा काम हुआ नहीं है पर जितना भी हुआ वो आपके सामने रख लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आज का काम है 1500 रुपये का और इस 1500 रुपये में गुड़गांव का MCD टोल और वो अलग कर देते हैं, उसको काउंट ही नहीं करता मैं। 1500 रुपये में जो CNG मैंने डलवाई थी, 635 रुपये की CNG डलवाई थी जो कि अब रेड पे आ रखी है, तो एक तरीके से 600 रुपये तक की CNG मेरी खर्च हो चुकी है। तो 600 रुपये की CNG खर्च हुई है, 1500 रुपये का काम हुआ है जिसमें से 600 रुपये हम हटा लेते हैं तो आ रही है नेट इनकम 900 रुपये की। तो 6 घंटे में 900 रुपये का आज का काम है दोस्तों, तो काम काम है क्योंकि लेट निकला था और अब जल्दी जा रहा हूँ। चाहता नहीं था काम, चाहता था और ज्यादा करना बट क्या है कि महिपालपुर आ गया था लास्ट, महिपालपुर से फिर इधर की ट्रिप आ गई थी तो सीधा महावीर इनक्लेव। अब महावीर इनक्लेव से ट्रिप्स तो मतलब ये लगा लो एक ट्रिप आ रही थी मेरे पास ओखला कहीं की
आपका बाटला हाउस थी वो मैंने एक्सेप्ट नहीं करी। फिर मैंने देखा यार अगर मैं और दूसरी अब घर के पास आ गया और दूसरी लोकेशन पे जाऊंगा तो फिर वहां से वही चीजें होने वाली है। तो अब घर के पास आ जाते तो फिर जाने का वो नहीं होता था, वही चीज हुई है। मतलब घर के पास आ गया हूँ तो फिर मैंने यहाँ की सेक्टर किसकी लोकेशन डाल दी थी, मैंने कहा द्वारका में एक दो राइट ले लेता हूँ, तो मेरे पास तुरंत आ गई थी एक राइट, तो द्वारका सेक्टर 9 में मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, और आज जो 3 दिन में मेरे मतलब दोस्तों जो भी एक मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया था, मतलब अपना जो मैंने करा था फंक्शन वगैरह उसकी मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो वो भी आप जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो मेरी वीडियो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। जितना आप वीडियो को लाइक करोगे फॉलो करोगे उतनी वीडियो आगे जाएगी और भाइयों के पास पहुंचेगी जो ऑल ओवर के बारे में जानना चाहते हैं, कितना काम है आजकल, कितना काम हो रहा है, वैगनआर से कितना काम है, डिजायर से कितना काम है, बड़ी गाड़ी लेने में फायदा है, छोटी गाड़ी लेने में फायदा है, पुरानी गाड़ी लेके चलाने में फायदा है। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक वाइज वीडियो लगी हुई है। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी मैंने लिंक दे रखा है, आपको नंबर भी शेयर किया हुआ है। तो आप कई बार भाइयों की वो होती है कि नंबर मिलता नहीं है, तो कई बार दोस्तों नंबर स्विच ऑफ हो जाता है, एक्चुअली स्पेशल नंबर आप के लिए लिया है वो मैंने, तो आप कोशिश कर लीजिए, अगर नंबर नहीं मिलता तो आप व्हाट्सएप कॉलिंग भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग मेरे पास आ जाती है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टर्निंग पे, टिल देन बाय।